hello everyone today we will discuss about detail and assembly drawing and sanitary and electrical engineering uh, symbols used in engineering drawing so first what is detailed drawing so the drawing which gives the complete information about each part of the component इज़ नोन एज असेंबली ड्रॉइंग जो दो पार्ट होते हैं या दो से अधिक पार्ट होते हैं डिटेल के अंदर उनकी सभी पार्ट्स की जो इंफॉर्मेशन है अलग अलग उसको हम बोलते हैं डिटेल ड्राइंग सो यू कैन सी हेयर इन द स्पीगर देर आर टू वुडन पार्ट्स फर्स्ट एंड सेकेंड सो द कंप्लीट Uh, information of each individual part. Here you can see the complete information of each individual part is known as detail drawing. Next is define assembly drawing. What is assembly drawing? So when all components of machine

ये जो दो पार्ट हैं इसको हम असेंबल करेंगे यहाँ पे ये जो पार्ट है इस कैविटी के अंदर ये जो पार्ट फिक्स हो जाएगा यहाँ पे तो दोनों पार्ट असेंबल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ तो उसको बोलेंगे हम असेंबली ड्राइंग कि दोनों को फिक्स कर दिया और एक एंटिटी सिंगल एंटिटी बना दी हमने तो उसको हम बोलेंगे असेंबली ड्राइंग क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ नेम एनी फाइव वुडन ज्वाइंट्स कोई पांच वुडन ज्वाइंट्स के नाम बताइए सो फर्स्ट इज हाफ लैप क्रॉस ज्वाइंट सेकेंड टी ब्रिडल ज्वाइंट थर्ड इज मोरटाइस एंड टेनन ज्वाइंट फोर्थ इज Motor sentinel joint, fourth is coke joint, and fifth is meter joint. So these are the five wooden joints. Now question number four is about name the symbols, and there are the different symbols which are used in sanitary or electrical fittings. So we take first that symbol, and that it is the symbol of exhaust fan it is the symbol of exhaust fan next is that is the symbol and it is the symbol of electric bell it is the symbol of electric bell okay next is the symbol third is the symbol of electric heater is the symbol of electric heater then next is the symbol of electric meter electric meter so the symbol of electric meter next is thermostat next symbol which is used इज थर्मोस्टेट नेक्स्ट सिंबल इज स्टोपालव नेक्स्ट इज द स्टोप वालव स्टोप वाल्व नेक्ट सिंबल दैट इज वो एरियल एरियल सिंबल इज नेक्स्ट इज यूरीनल कॉर्नर हंक यूनरल कॉर्नर हंग सिंबल, सो दीज आर सम सिंबल्स. नेक्स्ट देर इज ए फिगर वुड इन ज्वाइंट्स देर आर टू पीसीस कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ये इंडिविजुअल पार्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इन दोनों को असम्बल करके असम्बल व्यू लेके हमने बनाने हैं इनसे फ्रंट व्यू साइड व्यू एंड टॉप व्यू सो सपोज कीजिए कि इस पार्ट को यहाँ पे हमने असेंबल करना है ये जो पार्ट है इसको यहाँ से हमने असेंबल करना है यहाँ पे इसके साथ और फिर फ्रंट व्यू टॉप व्यू और साइड व्यू बनाने सो so, इसका जो सॉल्यूशन है ये इसका सोल्यूशन है और इस ज्वाइंट का नाम है डो टेल वुडन ज्वाइंट डो टेल वुडन ज्वाइंट सो फर्स्ट ऑफ so, ऑल देखिए यहाँ पे आप ये जो ये जब हम इसको फ्रंट से देखेंगे यहाँ से जब हम इसको फ्रंट से देखेंगे यहाँ पे असम्बल करने के बाद तो हमें फ्रंट में ये ये जो रेक्टेंगल दिखाई देगी तो फर्स्ट हम इसको बना लेंगे यहाँ पे रेक्टेंगल को यहाँ से फर्स्ट में ये जो रेक्टेंगल है यहाँ से बनाएंगे इसको सेंटर लाइन लगा के ये हमने रेक्टेंगल बना ली यहाँ पे इसका साइज़ है फोर्टी और ये ब्रेक लाइंस हैं कितना भी बना सकते हैं आप दोनों साइड में इसको ओके उसके बाद जो हमें जो पार्ट दिखाई देगा दैट ये वाला पार्ट ये इसके अंदर चला जाएगा यहाँ पे तो हमें ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट ये दिखाई देगा यहाँ पे पहले फ्रंट से जब हम देखेंगे तो इसको हम बना देंगे यहाँ पे इसके नीचे यहाँ ये ये जो सेंटर लाइन है यहाँ से ये जो सेंटर लाइन है फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक सेंटर लाइन एंड देन फोर्टी ट्वेंटी फ्रॉम दिस साइड एंड ट्वेंटी फ्रॉम दिस एंड देन थर्टी सेंटर लाइन से थर्टी इधर थर्टी इधर और ये फोर्टी नीचे ये बना दिया हमने ये इसका फ्रंट भी बन गया ओके okay? उसके बाद इसकी जो प्रोजेक्शन लाइंस हैं सीधी आएंगी यहाँ से प्रोजेक्शन लाइंस ये प्रोजेक्शन लाइंस ले लेंगे हम यहाँ पे ओके और ये हमारे हमने बनाना है टोपियू तो टोप यू कैसे बनेगा फ्रॉम अपर साइड वी सी फ्रॉम अपर साइड यहाँ से तो ये हमें दिखाई देगा यहाँ पे और ये वाला पोर्शन जो इसके अंदर आएगा इसको हम यहाँ से बना देंगे ये जो साइज़ रहेगा हमारा थर्टी एम ये रेक्टेंगल बन गया और ये दस एम का जो इसके अंदर जाएगा ये वाला एरिया दस एम ट एम एम यहाँ से उसको बना देंगे हम तो ये हो जाएगा इसका टॉप व्यू उसके बाद हमने इसको साइड से देखना है यहाँ से साइड से देखना है साइड व्यू बनाएंगे इसका जिसको असेंबल करके सो तो साइड से देखेंगे तो एक तो हमें ये दिखाई देगा और एक ये नीचे वाला पोर्शन दिखाई देगा साइड से देखेंगे फर्स्ट एंगल के अंदर तो हम इसको बना देंगे यहाँ से इसका प्रोजेक्शन ये ले लिया इसका ये ले लिया इसका ये ले लिया इसको साइड से हमने देखा और ये बना साइड व्यू सो ये इसका सॉल्यूशन है डो टेल वुडन ज्वाइंट नाउ नेक्स्ट फिगर इज क्रॉस ज्वाइंट हाफ लैप क्रॉस ज्वाइंट एंड दैट इज द असाइनमेंट फॉर यू and we will discuss in next time. Thank you.